अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उन्हें ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडा प्याज, और अंडे प्याज के लिए मैंने ये 6 प्याज बारीक काट लिए थे, और इसके अलावा मैंने लिए हैं ये 4 अंडे। आप जितने पसंद करते हैं उसमें अंडे डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने ली हैं ये और बारीक काट ली। उसके अलावा ये लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। लाल मिर्च जो है वो 1 चम्मच, आधी चम्मच नमक, और काली मिर्च जैसे आपको पसंद हो। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डाले हैं प्याज सारे बारीक कटे हुए। इसको बहुत मोटा मोटा मत काटिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और इसको अब हम ऑयल डालेंगे 1 कप, और उस ऑयल में हम इसे हल्का गुलाबी कर लेंगे। ये ऑयल है सीजन कैनोला ऑयल, और इसका रिव्यू भी मैं डालूंगी दूसरी वीडियो में, आप देखिएगा। ये मैंने 1 कप ऑयल डाल दी है, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और भूनेंगे ताकि ये हल्के गुलाबी हो जाए। इसे अब आप अच्छी तरह मिक्स करें चमचे से, अच्छी तरह ऊपर नीचे हिला लें ताकि कोई हिस्सा रह ना जाए। कुछ वीडियो तफसील से इसलिए भी बनाई जाती है कि जो नई बनाने वाली बच्चियां हैं उन्हें समझ आ जाए अच्छी तरह। अब बीच में डालेंगे हम ये सारा जो हमने काली मिर्च और नमक रखा था, ये इन सबको मिक्स करना है अच्छी तरह। ये डाल दिया मैंने, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि हर तरफ नमक, मिर्च और काली मिर्च मिक्स हो जाए, क्योंकि ये ना हो कि चंद प्याज रह जाए वाइट वाइट से। ये सबको हमने मिक्स किया अच्छी तरह, ऊपर नीचे अच्छी तरह से हिला लें आप। ये अच्छी तरह देखिए मिक्स हो गए हैं और हल्के से लाल भी हो गए। ये देखिए चमचे से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बाद डालेंगे हम अंडे बीच में। 3 अंडे मैंने शामिल किए हैं इसमें, कि अगर 3 अंडों से सेट हो जाता है तो ठीक है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको तोड़ लेंगे क्योंकि ये ना हो कि पूरा अंडा ही फ्राई हो जाए बीच में। इसको आप तोड़ें और अच्छी तरह मिक्स कर लें चमचे से कि कोई सा रह ना जाए, कि देखें आसपास का भी अच्छी तरह इस तरह उतार लें और उसको मिक्स कर लें। खुली कढ़ाई में पकाने से ज़्यादा मज़ा भी आता है और सही नज़र भी आता है। ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गए। ये ध्यान रखिएगा कि साइडों से प्याज लग ना जाए, नहीं तो वो लाल हो के कड़वापन आ जाता है उसमें। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसमें 1 अंडा कम है, तो मैं 1 अंडा और शामिल कर देती हूँ बीच में। ये मैंने 1 और डाल दिया अंडा, और अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये ना हो कि खाने में बिल्कुल ही प्याज प्याज लगे, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा प्याज और कुछ लोग ज़्यादा अंडा पसंद करते हैं। उस हिसाब से आप अपनी डिश तैयार कर सकते हैं। और ये अच्छी तरह इसे आप मिक्स करें। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च काटी हुई, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे ज़रा अंडा प्याज जो है वो चटपटा हो जाता, और इस तरह ये हमारा अंडा प्याज तैयार हो गया और मैंने डिश आउट कर दिया। और देखिए गरम गरम तैयार है, वाइट रोटी के साथ इस्तेमाल करें, बहुत मज़ा आएगा इसका। और इसके बाद हम तैयार करेंगे अपनी ताकत की चाबी, यानी चाय, हमारा पेट्रोल। जब तक वो ना डले हिम्मत ताकत नहीं आती। बहुत आदत है चाय की हमारे यहाँ सबको, बहुत पसंद भी है, इसलिए हम खाने के बाद चाय ज़रूर पीते हैं। तो ये हमारी चाय तैयार हो रही है, यानी कि हमारे ताकत का टॉनिक, ये चाय तैयार होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।
ये देखें, ये हमारी चाय तैयार हो गई और अब हम इसे पी लेंगे। अल्लाह हाफिज़।